गुड डे टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट स्टूडेंट टुडे आई शेल टीच यू क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर 3rd. नेम ऑफ द चैप्टर इज मनी एंड क्रेडिट एंड इट्स अ पार्ट 5th ऑफ दिस चैप्टर. स्टूडेंट इट्स अ पार्ट 5th ऑफ दिस लेसन एंड इट स्टार्ट फ्रॉम हियर. सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर द पुअर, सेल्फ SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर द पुअर, गरीबों के लिए जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप. In the previous section, we have seen that the poor household are still dependent on informal sources of credit. हमने पिछले सेक्शन में ये पढ़ा था कि जो गरीब लोग हैं वो डिपेंड होते हैं इनफॉर्मल सोर्सेज पे क्रेडिट के लिए, लोन के लिए. Why is it so? ऐसा क्यों होता है? Banks are not present everywhere in the rural area. Banks जो है गाँव में हर जगह तो बैंक नहीं है. Even when they are present, अगर वहाँ पर वो बैंक हैं भी, getting a loan from bank is much more difficult than taking a loan from the informal source. कहते पहली बात तो ये है कि गांव के अंदर बैंक नहीं है, और अगर बैंक हैं भी तो भी जो है उनके लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो लोन जो है उनके लिए डिफ़िकल्ट होता है टेकिंग ए लोन फ्रॉम द इनफॉर्मल सोर्सेज, कि वो इनफॉर्मल सोर्सेज से लोन लें, इसीलिए जो है वो इनफॉर्मल सोर्सेज से लेते हैं. कहते पहली बात तो बैंक नहीं, अगर दूसरी बात है बैंक तो उनसे जो है लोन लेना इतना मुश्किल हो जाता है, इस वजह से जो है वो इनफॉर्मल सोर्सेज से लोन लेते हैं. एज वी सॉ फ्रॉम मेगा बैंक मेगा, जैसे हमने जो एक मेगा का केस पढ़ा था लोन का, बैंक लोन्स रिक्वायर प्रॉपर डॉक्यूमेंट. हमने मेगा का केस पढ़ा था तो उसमें ये था कि बैंक जो है उसको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, उसको कलेटरल सिक्योरिटी चाहिए होती है. एब्सेंस ऑफ कलेटरल इज़ वन ऑफ द मेजर रीजन विच प्रिवेंट्स द पुअर फ्रॉम गेटिंग बैंक लोन. कहते एब्सेंस ऑफ कलेटरल, जो गाँव के लोग होते हैं उनके पास कलेटरल नहीं होता, वो बैंक में जो है कोई सिक्योरिटी नहीं जमा करा सकते. ये बड़ा कारण है जिसकी वजह से गरीब लोग जो है बैंक से लोन नहीं ले पाते. इनफॉर्मल लेंडर सच एज मनी लेंडर, और इनफॉर्मल जो लेंडर्स होते हैं, जो प्राइवेट लोग होते हैं, ट्रेडर्स हैं, मनी लेंडर्स हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे तो पैसा ले सकते हैं ऑन द अदर हैंड. नो द बोरर, क्योंकि वो बोरर को जानते हैं पर्सनली. एंड हैंस आर ऑफन विलिंग टू गिव लोन विदाउट कलेटरल, और वो लोगों को लोन दे देते हैं बिना किसी कलेटरल के, बिना किसी सिक्योरिटी के, किसी चीज़ की गिरवी नहीं रखते वो, और वो लोन दे देते हैं, पैसा दे देते हैं, लेकिन इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा लेते हैं. द बोरर कैन इफ़ नेसेसरी अप्रोच द मनी लेंडर्स इवन विदाउट रीपेइंग, और बोरो कैन, कहते हैं जो उधार लेता है, अगर ज़रूरी हो अप्रोच द मनी लेंडर्स, और वो जो है मनी लेंडर के पास जो है चला जाता है, जो पैसा उधार देता है उसके पास जाता है. डियर अर्ली जॉन्स, द बोरर कैन इफ नेसेसरी अप्रोच द मनी लेंडर, और जो बोरर है वो अगर उसको जो पैसा चाहिए तो वो अप्रोच द मनी लेंडर, मनी लेंडर के पास चला जाता है, विदाउट रीपेइंग देयर अर्लियर लोन्स. अपना पहला लोन तो अभी चुका नहीं पाता और दूसरा लोन लेने के लिए चला जाता है वो, और वो जो है कोलेटरल भी नहीं मांगता, वो सिक्योरिटी भी नहीं मांगता, और लेकिन सिर्फ वो पर्सनली जानता है. हाउएवर द मनी लेंडर चार्ज वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, पर ये कि जो मनी लेंडर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, रेट बहुत, उनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, सूद बहुत ज़्यादा लेते हैं. कीपिंग नो रिकॉर्ड्स ऑफ द ट्रांजेक्शन, और कोई ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड भी नहीं रखते. एंड हरास द पुअर बोरर, और जो गरीब लोग होते हैं, जो गरीब उधार लेने वाले होते हैं, उनको वो तंग करते हैं. इन रिसेंट ईयर पीपल हैव ट्राइड आउट सम न्यूअर वेज ऑफ प्रोवाइडिंग लोन्स टू द पुअर, और अभी जो रिसेंट ईयर में क्या देखा है स्टूडेंट, पीपल हैव ट्राइड आउट सम न्यूअर वे, लोगों ने नए तरीके ढूंढ लिए हैं गरीबों को लोन देने के लिए. द आइडिया इज़ टू ऑर्गेनाइज रूरल पुअर, आइडिया क्या है कि लोगों ने क्या किया, ऑर्गेनाइज कर दिया रूरल पुअर, जो गांव के अंदर गरीब रोल हैं उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लिया है. इन पर्टिकुलर वुमन, जो पर्टिकुलर औरतें हैं गांव के अंदर, जो पर्टिकुलर औरतें हैं उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लिया, इकट्ठा कर लिया है, और किस में इकट्ठा कर लिया स्टूडेंट, इनटू स्मॉल सेल्फ हेल्प ग्रुप. सेल्फ हेल्प ग्रुप, उन्होंने अपना जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप बना लिया, अपनी मदद खुद करने के लिए जो है एक ग्रुप बना लिया है, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं SHG. एंड पूल, पूल होता है कलेक्ट करना, पूल पूल देयर सेविंग्स, और वो अपनी जो सेविंग है वो जमा कर लेती हैं. ये औरतें क्या है, गरीब औरतें हैं गांव के अंदर, अपना एक ग्रुप बना लिया सेल्फ हेल्प ग्रुप, और क्या करती है अपनी जो सेविंग होती है वो इकट्ठी कर लेती हैं. ए टिपिकल SHG हैज़ 15 to 20 मेंबर्स, और इसमें जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप में कितने होते हैं, 15 से 20 तक मेंबर होते हैं इनके, लेडीज़ होती हैं, यूजली बिलोंग टू वन नेबरहुड, और वो सब जो है एक दूसरे के पड़ोस को बिलोंग करती हैं. हु मीट एंड सेव रेगुलरली, वो आपस में मिलती हैं और जो पैसा जो है सेव करती हैं. सेविंग पर मेंबर्स वेरीज फ्रॉम ₹25 to 100 और मोर, और उनकी सेविंग होती है या तो
उनकी होती है, पर मेंबर वेरीज फ्रॉम ₹25 टू ₹100। कहते हैं वो 25 रुपये या 100 रुपये जो है जोड़ लेती हैं। सभी औरतें मिलके जो है 25 से 100 रुपये तक इस तरह जो है अपना पैसा जोड़ लेती हैं। डिपेंडिंग ऑन द एबिलिटी ऑफ द पीपल टू सेव, जितनी उनकी एबिलिटी होती है पैसा जोड़ने की, ये उन पर डिपेंड करता है कि वो औरतें कितना पैसा अपना जो है जोड़ सकती हैं। 25 से 100 तक जो है बीच में जितना भी है वो अपना पैसा जो है सेव कर लेती हैं, एक ग्रुप बनाती हैं। मेंबर्स कैन टेक स्मॉल लोन्स फ्रॉम द ग्रुप, और मेंबर्स जो हैं वो जो है फिर वहाँ से जो है फ्रॉम द ग्रुप इट सेल्फ टू मीट देयर नीड्स, और वो जो उनके मेंबर हैं जैसे 15 और 20 मेंबर हैं, इतना इतना पैसा जोड़ते हैं वो पैसा इकट्ठा हो जाता है, फिर उसमें से कोई भी मेंबर जो है वो अपने ग्रुप में से जो है लोन ले सकता है अपनी ज़रूरत को पूरा कराने के लिए। मतलब अपना ही ग्रुप बनाया, अपने पैसे इकट्ठे किए और जिसको ज़रूरत है उसको दे दिए गए ताकि वो अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकें। द ग्रुप चार्जेस इंटरेस्ट ऑन दीज लोन्स बट दिस इज स्टिल लेस देन वट एवर द मनी लेंडर चार्जेस। कहते इसमें जो है ग्रुप जो है पैसा तो लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन इतना इंटरेस्ट नहीं, बहुत कम होता है इंटरेस्ट, उतना होता है कि जैसे मनी लेंडर चार्ज करते हैं वैसा नहीं होता, उससे जो है कम ही होता है। आफ्टर ए ईयर और टू इफ द ग्रुप इज रेगुलर इन सेविंग इट बिकम्स एलिजिबल फॉर अवेलिंग लोन फ्रॉम द बैंक। कहते आफ्टर ए ईयर और टू, अगर 1 साल हो जाते हैं या 2 साल हो जाते हैं तो फिर ग्रुप जो है, ग्रुप की अगर रेगुलर सेविंग होती है 1 साल या 2 साल में उनकी रेगुलर सेविंग होती है, रोज़ वो अपना पैसा बचाते हैं, इट बिकम्स एलिजिबल फॉर अवेलिंग लोन फ्रॉम द बैंक, फिर वो एलिजिबल हो जाते हैं, बैंक भी उन्हें लोन दे देता है। लोन इज सेंक्शन इन द नेम ऑफ ग्रुप, और जो लोन सेंक्शन होता है वो ग्रुप के नाम पे होता है, सेंक्शन मंजूर होता है, ना कि किसी मेंबर के ऊपर होता है। एंड इज मेन टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द मेंबर्स। इसका मतलब ये होता है वो लोन इसलिए देते हैं कि वो अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, कि अपने आप ही कोई ऐसा काम ढूंढते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ढूंढते हैं जिससे जो है वो पैसा कमा सकें। फॉर इंस्टांस स्मॉल लोन्स आर प्रोवाइडेड टू द मेंबर्स फॉर रिलीजिंग मोर्टगेज लैंड फॉर मीटिंग वर्किंग कैपिटल नीड्स, बाइंग सीड्स, फर्टिलाइजर, रॉ मटेरियल लाइक बॉम्बू एंड क्लॉथ्स, फॉर हाउसर मटेरियल, फॉर एक्वायर असेट्स लाइक सीविंग मशीन, हैंडलूम कैटल्स एटसेट्रा। कहते हैं एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं हम, स्मॉल लोन्स आर प्रोवाइडेड टू द मेंबर, कि छोटा लोन जो है मेंबर्स को दिया जाता है इसलिए कि वो अपनी जो है लैंड को जो है ले सकें, अपनी जो उनकी जो मोर्टगेज, जो लैंड मोर्टगेज हो चुकी है, जिस पे कब्जा हो चुका है, उसको रिलीज़ करा सकें, और फिर वो अपनी वर्किंग कैपिटल भी खरीद सकें, वर्किंग कैपिटल की जो है ज़रूरत है उसको पूरा कर सकें, वर्किंग कैपिटल जैसे कि बाइंग सीड्स, वो बीज खरीद सकें, फर्टिलाइजर यूज़ कर सकें, रॉ मटेरियल खरीद सकें, बम्बू क्लोथ कुछ भी जो उनको ज़रूरत हो वो खरीद सकें, अपने घर के अंदर कोई और उनको मटेरियल खरीदना है, या कोई उनको सीइंग मशीन, सिलने वाली, कपड़े सिलने वाली मशीन है, हैंडलूम है, कैटल्स हैं, उनको कुछ भी ज़रूरत है वो जो उन्होंने लोन लिया है उससे अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है क्रिएट कर सकते हैं। फिर उससे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से क्या होगा, उनको जो है इनकम शुरू हो जाती है। मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिसीजन रिगार्डिंग द सेविंग एंड लोन एक्टिविटीज़ आर टेकन बाय द ग्रुप मेंबर्स। और कहते ज़्यादा जो डिसीज़न होते हैं ना, मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिसीज़न रिगार्डिंग द सेविंग, जो सेविंग के बारे में डिसीज़न होते हैं, लोन एक्टिविटीज़ के डिसीज़न होते हैं, ये ग्रुप मेंबर्स लेते हैं। द ग्रुप मेंबर डिसाइड एज रिगार्ड्स अ लोन, और ग्रुप मेंबर जो है लोन के बारे में जो है डिसाइड करते हैं। स्टूडेंट हियर यू कैन सी इमेज ऑफ आल्सो ए वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप मीटिंग इन गुजरात। आप ये देख सकते हैं ये इमेज को, सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो है, देखिए सारी लेडीज़ बैठी हुई हैं और ये डेली क्या करती हैं, डेली अपने पैसे जो हैं 25 से 100 रुपये तक कुछ भी ये डिसाइड कर लेते हैं, रोज़ अपने पैसे जो जोड़ते हैं और फिर ये पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, फिर जैसे किसी मेंबर को ज़रूरत होती है, कोई भी मेंबर है जिसको ज़रूरत है वो जो है उससे वहाँ से जो है लोन ले लेता है, और 1 या 2 साल में जो है ये एलिजिबल हो जाते हैं कि बैंक भी इन्हें जो है लोन देने के लिए रेडी हो जाता है। द ग्रुप डिसाइड एज रिगार्ड्स द लोन्स टू बी ग्रांटेड, और ग्रुप जो है ये डिसाइड करता है लोन्स टू बी ग्रांटेड, के लोन्स जो है सेंक्शन किया जाता है, और ये वो डिसाइड करता है कि ये कौन पर्पज़ क्या है, अमाउंट कितना होना चाहिए, इंटरेस्ट टू बी चार्ज इंटरेस्ट कितना है, रीपेमेंट शेड्यूल क्या है,
तो ग्रुप ये डिसाइड करता है जब लोन जो दिया जाता है किसी मेंबर को कि उस वो जो मेंबर जो है पैसा ले रहा है, लोन ले रहा है, उसका पर्पज़ क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, कितना पैसा चाहिए और कितना उस पर इंटरेस्ट होना चाहिए, और जो रीपे करना उसने वापस लौटाना है पैसा, तो उसका शेड्यूल क्या है, किस तरह से वापस लौटाएगा। ऑल्सो इट इज़ अ ग्रुप विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीपेमेंट ऑफ लोन, और ये पूरा ग्रुप जो है इसके लिए जिम्मेवार होता है कि लोन को जो है रीपे करना है, वापस लौटाना है। इन एनी केस ऑफ नॉन रीपेमेंट ऑफ लोन बाय एनी वन मेंबर इज़ फॉलोड अप सीरियसली बाय अदर मेंबर्स इन द ग्रुप। कहते एनी केस ऑफ नॉन रीपेमेंट ऑफ लोन, अगर कोई ऐसा केस है कि लोन जो है रीपे नहीं होता, तो किसी भी एक मेंबर जो है लोन लिया उसने वो लोन वापस नहीं कर पा रहा, तो ये इज़ फॉलोड अप सीरियसली बाय अदर मेंबर, तो इसको जो दूसरे मेंबर हैं वो भी इसको सीरियसली लेते हैं ग्रुप में। बिकॉज ऑफ दिस फीचर बैंक्स आर विलिंग टू लेंड द पुअर वुमेन व्हेन ऑर्गेनाइजिंग SHG इवन दाउ दे हैव नो कलेटरल एसेट्स। कहते बिकॉज ऑफ दिस फीचर, कहते उनमें ये फीचर है कि सारे ग्रुप के मेंबर जो है मिलके काम करते हैं, अगर एक मेंबर जो है पैसा नहीं दे पा रहा तो दूसरे मेंबर भी इसके लिए सीरियस होते हैं। कहते वजह यही है कि बैंक्स आर विलिंग टू लेंड टू द पुअर वुमन, कि बैंक जो है इन गरीब औरतों को जो है पैसा उधार देता है जिन्होंने जो SHG ग्रुप बनाया है, इवन दाउ दे हैव नो कोलैटरल एसेट्स, जबकि वो कोई बैंक वाले उनसे कोलैटरल भी नहीं लेते, कोई उनसे सिक्योरिटी भी नहीं लेते हैं। Does the SHG self help group help borrowers overcome the problem of lack of collateral? और इस तरह से कहते हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है स्टूडेंट उनको जो है ये प्रॉब्लम नहीं होती सिक्योरिटी की, उनकी ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। दे कैन गेट टाइमली लोन्स फॉर ए वराइटी ऑफ पर्पस, वो जो टाइम टू टाइम जो है लोन ले सकते हैं बैंक से और अलग अलग पर्पज़ के लिए एट ए रीजनेबल इंटरेस्ट रेट, और उन पर जो रेट होता है इंटरेस्ट रेट होता है वो भी बहुत रीजनेबल लगाया जाता है। Moreover, SHGs are building blocks of organization of the rural poor. और moreover, SHG जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं वो क्या करते हैं स्टूडेंट ब्लॉक बनाते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन के ब्लॉक बना देते हैं गाँवों में। Not only does it help women to become financially self-reliant. और इससे क्या होता है कि जो वुमेन है गाँव के अंदर औरतें हैं वो सेल्फ रिलायंट होती हैं, आत्मनिर्भर होती हैं वो। The regular meeting of the groups provide a platform to discuss and act on a variety of social issues such as health, nutrition, domestic violence etc. कहते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप से क्या फ़ायदा है, एक तो ये फ़ायदा कि वो सेल्फ रिलायंट है फाइनेंशियली जो है, उनको जो पैसे के लिए किसी पे डिपेंड नहीं करना पड़ता, आत्मनिर्भर है। और दूसरा क्या है, द रेगुलर मीटिंग, और जो रेगुलर मिलती रहती हैं ग्रुप में वो लेडीज़, तो वो क्या होता है प्लेटफॉर्म टू डिस्कस, आपस में डिस्कस करती हैं और बहुत सारी बातें डिस्कस करती हैं, जैसे सोशल इशूज़ हैं, समाज में कुछ बुराइयाँ हैं, या अपने हेल्थ के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, या घरों के में जो है डोमेस्टिक वायलेंस होता है उसके बारे में भी जो आपस में वो डिस्कस करती हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट इज़ ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश, तो बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के बारे में पढ़ेंगे। ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरी इन रीचिंग द पुअर टू मीट देयर क्रेडिट नीड्स एट अ रीजनेबल रेट। और कहते हैं जो ग्रामीण बैंक है बांग्लादेश में स्टूडेंट, ये भी एक बड़ी कामयाबी है, बड़ी कामयाबी स्टोरी है कि जो गरीब लोग जो हैं वो अपने क्रेडिट नीड्स को जो है पूरा करते हैं और उनको जो ज़रूरत है वो पैसा लेते हैं, रीजनेबल रेट पे लेते हैं। ये स्टार्ट कब हुआ स्टूडेंट, स्टार्टेड इन 1970 में स्टार्ट हुआ, एक छोटा प्रोजेक्ट था, स्मॉल प्रोजेक्ट था। ग्रामीण बैंक इन 2018 हैज़ ओवर 9 मिलियन मेंबर्स इन अबाउट 81,600 विलेजेस स्प्रेड अक्रॉस बांग्लादेश। और कहते ग्रामीण बैंक जो है 2018 में क्या था स्टूडेंट, 9 मिलियन मेंबर थे इसमें, ग्रामीण बैंक के 2018 में जो है 9 मिलियन जो है मेंबर थे, और ये थे मेंबर 81,600 गांव में जो थे बांग्लादेश में। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द बोरर्स आर वुमेन, और सारी जितने भी पैसा लेने वाली थी सब औरतें थीं, बिलोंग टू पोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, और वो जो है एक जो गरीब सेक्शन को जो है समाज में बिलोंग करती थी। दीज बोरर हैव पेव्ड प्रूव्ड दैट नॉट ओनली आर पुअर वुमेन रिलायबल बोरर्स बट दैट दे कैन स्टार्ट एंड रन ए वराइटी ऑफ स्मॉल इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज सक्सेसफुली। दीज बोरर हैव प्रूव्ड, और ये जो पैसा लेती हैं उधार पैसा लेती हैं औरतें स्टूडेंट, इन्होंने ये प्रूव कर दिया कि वो गरीब औरतें जो हैं वो एक रिलायबल बोरर हैं, और वो क्या वो अपना पैसा लेती हैं, वो अपना बिजनेस स्टार्ट करती हैं और रन ए वराइटी ऑफ स्मॉल इनकम, और छोटे छोटे जो है वो काम शुरू करते हैं जिससे जो है इनकम जनरेट होती है,
और उसमें जो है कामयाब भी हुई हैं। तो दीज आर द वर्ड्स बाय द प्रोफेसर मोहम्मद यूनस, ये प्रोफेसर मोहम्मद यूनस ने बोले हैं इधर। और प्रोफेसर मोहम्मद यूनस कौन है स्टूडेंट, द फाउंडर ऑफ द ग्रामीण बैंक। प्रोफेसर मोहम्मद यूनस है द फाउंडर ऑफ द ग्रामीण बैंक एंड रिसीट ऑफ द 2006 नोबल प्राइज़ फॉर पीस। और ये जो है प्रोफेसर मोहम्मद यूनस ये फाउंडर हैं ग्रामीण बैंक के, और इनको जो है नोबल प्राइज़ मिला था, नोबल प्राइज़ फॉर पीस मिला था 2006 में। तो इन्होंने क्या बोला है, इफ़ क्रेडिट कैन मेड अवेलेबल टू द पुअर पीपल ऑन टर्म्स एंड कंडीशन दैट आर अप्रोप्रिएट एंड रीजनेबल, दीज मिलियंस ऑफ स्मॉल पीपल विद देयर मिलियंस ऑफ स्मॉल परस्यूट्स कैन एड अप टू द क्रिएट बिगेस्ट डेवलपमेंट बॉन्डर। तो ये प्रोफेसर मोहम्मद यूनस ने ये बोला, इफ़ क्रेडिट कैन बी मेड अवेलेबल, अगर लोन दे दिया जाए गरीब लोगों को उनको टर्म्स और कंडीशन पे जो ज़रूरी हैं और रीजनेबल हैं, तो क्या होगा, मिलियंस ऑफ स्मॉल पीपल, बहुत सारे जो हैं मिलियन ऑफ स्मॉल लोग जो हैं वो अपने छोटे छोटे जो है काम खोल सकते हैं, और इससे क्या होगा, कैन एड अप टू क्रिएट द बिगेस्ट डेवलपमेंट बॉन्डर, इससे जो है एक बहुत बड़ा जो है देश में विकास हो सकता है। स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट इज समिंग अप, इन दिस चैप्टर वी हैव लुक्ड एट द मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। इस चैप्टर में हमने देखा मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी के बारे में पढ़ा, ये समिंग अप है स्टूडेंट, समरी ये छोटा उस चैप्टर की जो है छोटी सी समरी लिखी है। इन दिस चैप्टर वी हैव लुक्ड, इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी पढ़ा था, हाउ दे आर लिंक्ड विद द बैंकिंग सिस्टम, और मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है और किस तरह से बैंक सिस्टम के साथ लिंक है। ऑन वन साइड आर द डिपॉजिटर हु कीप देयर मनी इन द बैंक एंड ऑन द अदर साइड आर द बोरोअर हु टेक लोन्स फ्रॉम दिस बैंक। एक साइड पे तो हमने ये देखा कि वो हैं लोग जो पैसा जमा कराते हैं, और दूसरी जगह जो उधार लेने के लिए आते हैं बैंक से। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रिक्वायर लोन्स और क्रेडिट, कहते हैं अगर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है तो उसके लिए लोन की ज़रूरत पड़ती है, उधार की ज़रूरत पड़ती है। क्रेडिट एज वी सॉ कैन हैव ए पॉजिटिव इम्पैक्ट और इन ए सर्टन सिचुएशन मेक द बोरोअर वर्स ऑफ, कहते अगर उधार लिया जाता है कभी कभी तो पॉजिटिव इफेक्ट होता है, और कभी क्या होता है स्टूडेंट वर्स ऑफ हो जाता है, नेगेटिव कंडीशन भी आ जाती है। क्रेडिट इज़ अवेलेबल फ्रॉम ए वराइटी ऑफ सोर्सेज, और क्रेडिट जो कहते हैं अवेलेबल है वो अलग अलग सोर्सेज से मिलता है। दिस कैन बी आइदर फॉर्मल सोर्सेज और इनफॉर्मल सोर्सेज, कहते वो फॉर्मल सोर्सेज से भी मिलता है और इनफॉर्मल सोर्सेज से भी मिलता है, ये हमने पढ़ा। टर्म्स ऑफ क्रेडिट वेरी सब्सटेंशियल बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, और हमने ये भी पढ़ा कि जो फॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं तो उसके जो है टर्म्स एंड कंडीशन अलग हैं, इनफॉर्मल के अलग हैं। एट प्रेजेंट इट इज़ रिचर हाउस होल्ड हु रिसीव क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल सोर्सेज, और हमने ये भी पढ़ा कि जो अमीर लोग हैं वो फॉर्मल सोर्सेज से लोन लेते हैं, और वेयर एज द पुअर हैव टू डिपेंड ऑन द इनफॉर्मल, और जो गरीब लोग हैं वो इनफॉर्मल सोर्सेज से लोन लेते हैं। इट इज़ असेंशियल दैट द टोटल फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इंक्रीजेज सो दैट द डिपेंडेंस ऑन द मोर एक्सपेंसिव इनफॉर्मल क्रेडिट बिकम लेस। इट इज़ असेंशियल, ये भी हमने देखा है कि टोटल फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इंक्रीजेज, फॉर्मल सेक्टर जो है वो ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, सो दैट द डिपेंडेंस ऑन द मोर एक्सपेंसिव इनफॉर्मल क्रेडिट बिकम लेस। फॉर्मल सेक्टर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है ताकि लोगों को जो है इनफॉर्मल क्रेडिट पे जो है डिपेंड नहीं रहना पड़े। आल्सो द पुअर शुड गेट मच ग्रेटर शेयर ऑफ फॉर्मल लोन, और ये भी देखा गया है कि जो गरीब लोग हैं वो भी फॉर्मल से जो है लोन ले सकें, और फॉर्मल सेक्टर होते हैं स्टूडेंट बैंक कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं। बोथ दीज स्टेप्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट, और ये जो है इम्पॉर्टेंट है अगर देश में जो है हमें विकास चाहिए तो ये ज़रूरी है। स्टूडेंट आई हैव टॉट यू पार्ट फिफ्थ एंड कम्प्लीट चैप्टर, आई थिंक यू माइट हैव अंडरस्टूड। स्टूडेंट यू टेल इट टू अदर स्टूडेंट्स सो दैट दे कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, एंड स्टूडेंट्स स्टे सेफ, स्टे एट होम, ओबे योर पेरेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।